खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली शानू का बड़ा बयान सामने आया है। दरी भी अब्दुल बिछाएगा, वोट भी अब्दुल देगा और जेल भी अब्दुल जाएगा। हमारी शिकायत समाजवादी पार्टी से है, हमारे कपड़ों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बदबू आती है। हमने आपको और आपके वालिद को मुख्यमंत्री बनाया, आप इतना बड़ा दिल नहीं कर सके कि आजम खान को नेता प्रतिपक्ष बना देते। हमारे वोट से 111 सीटें आई हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद आमिर जुड़े हुए हैं। आमिर, कहां पर ये बयान दिया गया मीडिया प्रभारी की तरफ से? देखिए, रामपुर में समाजवादी पार्टी का जो जिला कार्यालय है वहां पर ये मीटिंग चल रही थी। आज जो है शहर की समस्याओं और अन्य चीजों को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के बीच ये मीटिंग चल रही थी। इसी बीच इस मीटिंग में जिस तरह से भाषण हुए, बयान हुए, साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराजगी खुलकर सामने आई है और इस तरह के बयान सामने आए हैं कि पूरी रामपुर में जो आजम खान के मीडिया प्रभारी हैं फसाहत अली शानू, उन्होंने साफ तौर पर जो है अखिलेश यादव पर खुलकर बयानबाजी की है और उनसे नाराजगी जाहिर की है। बिल्कुल आमिर, और जिस तरीके का बयान उनकी तरफ से दिया गया है उसमें साफ साफ नाराजगी नजर भी आ रही है। शायद सांसदी से भी उन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया था कि कम से कम नेता प्रतिपक्ष तो उन्हें बना देते। बिल्कुल, जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी, समाजवादी पार्टी के काफी ज्यादा सीनियर लीडर आजम खान माने जाते हैं और रामपुर में उनके जो समर्थक हैं वो यही। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास और इस वक्त खुद हमारे साथ फसाहत अली शानू जी जुड़ गए हैं। फसाहत जी, ये क्या हो गया? समाजवादी पार्टी तो एक है ना, फिर अखिलेश यादव पर इतनी नाराजगी क्यों उनसे? देखिए, मैंने अपने आज की मीटिंग में, जो हमारा लोकतांत्रिक पार्टी है, हमने अपनी मीटिंग में अपना दर्द बयान किया है। आप सब जानते हैं कि इस चुनाव में किस तरह हम कमजोरों ने, कमजोर तो आप समझते होंगे किसे कहते हैं, हम कमजोरों ने एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी हमारा नाम तक नहीं लेना चाहती। समाजवादी पार्टी को हमारे कपड़ों से बदबू आती है। आजम खान साहब को जेल में गए हुए 2.5 साल हो चुके हैं, उनका पूरा परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, आज के दिन तक वो जेल से नहीं निकले हैं। अखिलेश यादव जी नहीं, नहीं फसाहत अली जी, लेकिन जो अखिलेश यादव हैं वो तो नेता मानते हैं ना, और रामपुर भी गए थे वो तो। रामपुर एक बार आए थे और एक बार ही जेल में मिलने गए हैं, क्योंकि 2.5 साल से आजम खान साहब जेल में हैं। हमारी मांग ये थी, हमारे समर्थकों की मांग ये थी, रामपुर के लोगों की ये मांग थी और पूरे उत्तर प्रदेश के कमजोर लोगों की मांग थी कि आजम खान साहब को नेता विपक्ष बनाया जाए, लेकिन माननीय अधिक जी खुद नेता विपक्ष बन गए। अरे, हमने तो बहुत बड़ा दिल करा, हमने तो उनके पिताजी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, उनको मुख्यमंत्री बनाया। आपको मालूम होना चाहिए, सन 1989 में सबसे पहली बार आजम खान साहब ने उनको मुख्यमंत्री बनवाया था, उनके पिताजी को, मुलायम सिंह यादव जी को। तो आपकी ये मांग है कि उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए था, आजम खान जी को। शफीकुल मिलकर खिताबी आजम खान साहब ने दिया था, जब कन्नौज से अखिलेश यादव जी चुनाव लड़े थे तो आजम खान साहब ने ये नारा दिया था कि टीपू को सुल्तान बना दो, जनता ने टीपू को सुल्तान बनाया था। नहीं नहीं, लेकिन फसाहत अली जी, आप ये जो कह रहे हैं कि 111 सीटें जो आई हैं आजम खान साहब का वो तो अलायंस हुआ था ना और दलों के साथ भी। जी 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 जी, हेलो जी जी, बोलिए फसाहत जी, बोलिए। हाँ, आप कह रही थी जी, मैं सुन नहीं पाया जी। फसाहत जी, मैं ये कह रही हूँ, जो आप बोल रहे हैं ना कि हमारे वोट से 111 सीटें आई हैं, तो ये तो अलायंस हुआ था ना और दलों के साथ भी समाजवादी पार्टी का। देखिए, आप भी जानती हैं और सब लोग जानते हैं कि मुसलमान ही ऐसे थे कि जिन्होंने एकमुश्त वोट दिया है, 99% समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। अगर मुसलमानों को माइनस कर लेते तो शायद हमारी 11 सीटें भी नहीं आती। तो 111 सीटें हमारी वजह से आई और हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये सच्चाई है और सच सबको बोलना चाहिए, लेकिन सबको सुनना भी। लेकिन आप जो चीजें बोल रहे हैं, क्या इसकी जानकारी अखिलेश यादव जी को है? अब ये तो मुझे नहीं मालूम उनको जानकारी है या नहीं है, लेकिन हमने अपनी बात रखी है अपनी मीटिंग में, अपनी पार्टी की मीटिंग में अपनी बात रखी है। नहीं नहीं, लेकिन फोन पर तो बातचीत होती है ना। मैं तो आपसे अब्दुल्ला आजम जी ने आजम खान साहब जेल से बाहर आ जाएं,
या उनकी जो पत्नी है आजम खान जी की, उन्होंने किसी बात का जिक्र किया हो? जी हेलो फसाहत जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी मिल रही सर। मैं ये पूछ रही हूँ, अब्दुल्ला आजम जो है वो तो अखिलेश यादव जी से मिलते हैं ना, तो अपनी बात रख सकते थे अगर ऐसा कुछ था तो? क्या उनके संज्ञान में है ये मामला? दर्द किया है मैंने अपना दर्द बयां किया है, मैंने कार्यकर्ताओं का दर्द बयां किया है। मैंने तो ये कहा है उस मीटिंग में कि आजम खान साहब इंशाल्लाह जेल से बाहर आएंगे आपकी सबकी दुआओं से, तो मैं उनसे कहूंगा, कोई कहे या ना कहे, मैं उनसे कहूंगा कि आजम खान साहब आप वक्त आ गए, फैसला लीजिए। मैंने ये कहा है फसाहत जी, लेकिन सवाल मेरा ये है कि अगर ये समर्थकों की आवाज है जो आप अपने जरिए उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये तो दर्द फिर बताना चाहिए ना अखिलेश यादव जी को, वहां तक मैसेज पहुंचाइए। फिर ऐसी बात है, जब हम पार्टी मीटिंग में कह रहे हैं आपके जरिए उनको मैसेज नहीं पहुंचा हुआ क्या? हमारे साथी बराबर खत भी लिख रहे हैं, एक तरीके से फैमिली टर्म्स है ना, तो मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। अब्दुल्ला आजम जो है अखिलेश यादव जी से भी मिलते हैं? उन्होंने तो एक बार मुसलमानों को शुक्रिया भी अदा नहीं किया इलेक्शन जीतने के बाद। हमारे किसे छूत से बोलते हैं वो बताइए? हमारे घरों को तोड़ दिया जाए तो वो नहीं बोलते, हमारे बनारसी सीए लगा दिया जाए तो वो नहीं बोलते, हमें बर्बाद कर दिया है तो वो नहीं बोलते, हम किससे कहें? देखिए भारतीय जनता पार्टी से तो शिकायत हमारी है ही नहीं, क्योंकि हम उनसे वोट नहीं देते। हम उनसे प्यार करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी हमसे प्यार करती है, जो सुलूक वो हमारे साथ करती है वही हम उनके साथ सुलूक करते हैं। लेकिन शिकायत तो हमारी अखिलेश यादव जी से है ना, क्योंकि 100% वोट तो हमने अखिलेश यादव जी को दिया है ना। अरे वो हमारा जख्म तो मरहम नहीं लगा सकते, हमारे आंसू तो पोंछेंगे नहीं। ये जो दर्द और पीड़ा और जो जख्म आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये सिर्फ यहीं तक रहेगा या कुछ आगे भी होगा? ये बनावटी नहीं, ये जख्म है। हमसे पूछिए, हमारे दर्द को पूछिए। ठीक है, आप बने रहेगा, मैं लौटूंगी आपके पास और आप बने रहेगा, लौटूंगी मैं। अब्दुल्ला आजम भी अपने ट्विटर हैंडल पर शायरी भरे अंदाज में अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक आजम खान आने वाले दिनों में बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिसकी ये शुरुआत है। तो ये ट्वीट के जरिए, शायरी के जरिए भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं अब्दुल्ला आजम। फसाहत जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फसाहत जी, अब्दुल्ला आजम भी इसको लेकर कह चुके हैं जी, तो आने वाले दिन में हम ये कहें कि कोई बड़ा फैसला होगा, कहना चाहिए। मैं उनसे भी कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, हालांकि कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन उनसे बार बार कह रहा हूँ। आजम खान साहब से कई बार कह चुका हूँ, और मैंने तो कहा है आज की मीटिंग में इंशाल्लाह आजम खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे, तो मैं उनसे कहूंगा, कोई कहे या नहीं कहे, मैं उनसे कहूंगा कि आप फैसला लेने का वक्त है। हम डस्टबिन बन के कब तक रहेंगे? हम डस्टबिन बन के नहीं रहेंगे। आप बिरयानी का तेज पात का पत्ता समझते हैं? हमें सजाने के लिए डाल दिया जाता है, खाने के वक्त हटा के फेंक दिया जाता है। हमने आपको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, आपको और आपके पिताजी को मिलाकर, और आप हमें नेता विपक्ष भी नहीं बनाएंगे, सिर्फ वोट लेंगे हमारा। ठीक है, ठीक है। हरीश श्रीवास्तव जी भी हमारे जुड़े हुए हैं। हरीश श्रीवास्तव जी, अखिलेश यादव के खिलाफ सीधा सीधा मोर्चा खोल रहे हैं आजम खान के समर्थक जी, कैसे देख रहे हैं आप इसे? नहीं, जो फसाद अली सानू साहब ने जो सवाल खड़े किए हैं, इसका कायदे से जवाब तो श्रीमान अखिलेश यादव जी ही देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से कहती रही कि मुस्लिमों को एक वोट बैंक की तरह कुछ राजनीतिक दल इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो उनको राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल नहीं होने देना चाहते, इसलिए तरह तरह से उनको उनके अंदर भाजपा के प्रति भय पैदा करते हैं, तरह तरह के भेद पैदा करने की राजनीति करते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी की आप देश के प्रधानमंत्री मोदी जी या उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन अगर आप देखेंगे तो बिना भेदभाव की सरकार है, लोक कल्याणकारी नीतियों का सभी को समान रूप से लाभ उसका सरकार ने दिया है, और वो चाहे किसी भी जाति वर्ग धर्म के हों, वो सिख हों, ईसाई हों, वो इस्लाम धर्म को मानने वाले हों, वो बौद्ध हों, हिंदू हों, किसी भी धर्म और संप्रदाय के लोग हों, उनको लोक कल्याणकारी नीतियों का सबको समान रूप से लाभ मिला, सबको समान रूप से सम्मान मिला जी। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, जैसा रामपुर से जो ये बयानबाजी हो रही है, इसका जवाब तो श्रीमान अखिलेश यादव जी को ही देना है। मैं तो मुस्लिम समाज के लोगों से, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे जुड़ने के लिए। आप देखना होगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको लेकर किस तरीके का रिएक्शन सामने आता है। इसी के साथ ही फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।